बात बताओ, क्या क्या सफर किए थे इस यहाँ पर? बहुत बहुत बहुत, मतलब चश्मा निकाल एक बार। ठीक है, ठीक है। तो बैक 2017 नवंबर 8 को मैंने गाड़ी लिया था डोमिनार। तो आप वीडियो तो बना रहा हूँ इतने दिन बाद, इतने महीने बाद, तो आपको पता ही होगा क्यों बना रहा हूँ। बट आज भाई आए हुए हैं, मयंक भाई। ये मेरी बेबी टाइगर जाने वाली है आज, तो भाई ले रहे हैं। अपने बीच ही रहेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मतलब हार्ड डिसीजन लिया मैंने, बट जब तक ये हार्ड डिसीजन लूँगा नहीं तब तक आगे बढ़ूँगा नहीं। मतलब आगे और अपग्रेड करना गाड़ी, इसलिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो बहुत सारी यादें जुड़ी है, बहुत लंबी लंबी राइड की है इसमें। मैं अब इसके नए ओनर ये रहेंगे भाई साहब। तो ये पूरा चलाएंगे, देख रेख करना भाई अच्छे से। बिल्कुल भैया। और मयंक भाई हैं केसकाल से, कौन सी जगह? धनोरा। धनोरा के पास है। ये भी पैदल वैदल लिफ्ट लेके ऑल इंडिया राइड किए हैं, मतलब ऑल इंडिया वो किए हैं, टूर किए हैं। इंस्टाग्रामर है, कागजी कार्यवाही बच्चा है। उसके बाद लास्ट राइड तो हो चुका है कल इसका। तो वह सब गाइस कैसे हो? हेलो, नमस्ते, जय जो हर, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम इसलिए क्योंकि ये इस गाड़ी को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। मयंक भाई आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, अभी जा रहे हैं ऑफिस, ऑफिस से फिर जाएंगे इन लोग उधर। तो ये विनायक दादा की गाड़ी लाया हुआ हूँ मैं यहाँ पर। भाई बहुत खुश हो गए हैं क्योंकि मस्त गाड़ी मिली उनको, रेडी टू राइड। कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, एक बार डिसीजन ले ली तो ले लिए, गाड़ी बेचना तो बेच रहे हैं। गाड़ी बेचने का रीज़न यही है कि अपग्रेड कर रहे हैं, तो दो गाड़ी मैं संभाल नहीं सकता। और अपने भाई सब्सक्राइबर भाई हैं तो काफ़ी अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी जगह जा रहा है अनजान लोगों के पास। कितने में डील हुआ, क्या हुआ, ये सब मत पूछो, क्योंकि भाई ये गाड़ी का ना मोल नहीं है कोई, मतलब मेरी बेबी टाइगर का भाई यहाँ करके दे दिया। लास्ट टाइम घर से ये निकाल रहे हैं। ये राजीव भाई हैं, उनके साथ आए हुए हैं और कुछ आरटीओ का काम है अभी थोड़ा सा। एक बार देख ले तो चलते हुए कैसे दिखता है कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है तो, क्योंकि मैं बैठ के तो खुद अपना वीडियो का भी लिया नहीं हूँ, मतलब ऐसे 360 वगैरह में लिया हूँ। तो इस तरह से दिखती है भाई गाड़ी, मस्त है यार, कंडीशन बहुत सही है। दिल तो नहीं कर रहा बेचने का, लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि मेंटेनेंस भी बहुत रहता है गाड़ियों में, दो दो गाड़ी पाल नहीं सकता। मतलब म्यूजियम में रखने वाला गाड़ी है वो, समझ रहे हो। अच्छा हुआ मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, नहीं तो फिर अभी चेहरा देखते ही रहता। तो भाई गाड़ी यहाँ आ चुकी है, ऑफिस में आए एक्चुअली, तो यहीं से जाएंगे मिलके और भाई लोग से। यहाँ तो आज पार्किंग एकदम फुल है यार। बात बताओ, क्या क्या सफर किए थे इस यहाँ पर? बहुत बहुत बहुत, मतलब चश्मा निकाल एक बार। ठीक है, ठीक है। ये के राइडर का सिग्नेचर पोज है भैया। तो चिंतामणि भी चला रहे हैं लास्ट टाइम। पूरा गुजरात ट्रिप हम दोनों ने किया था भाई, को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि विश्वास कर लो, अभी भी विश्वास नहीं। हार्ड डिसीजन था, क्या करें, लेना पड़ा। उस दिन मैं तेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखा, एकदम दुख लग गया था लास्ट टाइम। अरे सब गाइस कैसे हो, हेलो नमस्ते, जय जवाहर सबको इंस्टाग्राम में। और सबने स्टोरी देखा होगा, सबको पता होगा कि क्या हुआ है। थोड़ा सा हार्ड डिसीजन था, लेना पड़ा, क्या करें, लेकिन डिसीजन जरूरी था क्योंकि अपग्रेड कर रहा हूँ मैं बाइक। तो अभी कल बाइक की डिलीवरी है, तो एक गई है तो दूसरी आने वाली है। सैड भी हूँ एक तरह से, लेकिन खुश भी हूँ। तो कल खुशी मनाते, आज सैड हो गया, कल खुशी मनाते। तो कल मिलते हैं आपको KTM तेलीबांधा रायपुर में।